नमस्कार दोस्तों, मैं सर रोशन लाल देवर जीपीसी प्रतापगढ़ लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में बताया था, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो स्टडी है, नॉन स्टेडी फ्लो, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसके जो नेक्स्ट है आगे जो है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो लेमिनार फ्लो के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स है मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन है, ऑल द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। यानी जो लेमिनार फ्लो है उसके अंदर जो भी फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, जिगजैग मोशन में नहीं करेंगे। यानी स्ट्रेट और पैरेलल फ्लो होगा, जैसे अपने तालाब है या नदी है उसमें अगर पानी सिंपली फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, लेमिनार फ्लो का एग्जांपल है। और ये जो डिपेंड करता है, एक होता है नॉन डायमेंशनल नंबर रेनॉल्ड्स नंबर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू 2000 से अगर कम है रेनॉल्ड्स नंबर की तो ये लेमिनार फ्लो के अंदर आएगा। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। जब जिगजैग मोशन में मूव करेंगे तो एडीज करंट या एडीज फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, हाई एनर्जी लॉस होगा। यानी कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है और लेमिनार में एनर्जी लॉस नहीं होता, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट है थर्ड पार्टिकल्स का इसमें स्टेट में पैरेलल होता है, उसमें टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जिगजैग मोशन के अंदर, जैसे कि अपने समुद्र है उसमें तूफान आते हैं उस टाइम जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू की 4000 से ज़्यादा होगी, यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो टर्बुलेंट फ्लो है और 4000 से ज़्यादा है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो है और 4 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू के बीच अगर लाई करती है तो वो ट्रांजिशन फ्लो के अंदर आता है। अब बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर एक नॉन डायमेंशनल नंबर है, इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स, इससे अपन रेनॉल्ड्स नंबर पता करते हैं। तो किसी पाइप के लिए अगर अपन लें, अगर कोई पाइप से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, डी अगर डाया है पाइप का, बी जो मीन वेलोसिटी है फ्लो की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है रो, और अगर फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी व्यू है तो अपन इस फॉर्मूले से रेनॉल्ड्स नंबर का पता लगाएंगे, रो बी डी अपॉन म्यू। इसके अंदर अगर म्यू और रो है इसको अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी के अंदर रिलेशनशिप होता है वो डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो के बीच। अब नेक्स्ट है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज क्या होता है, अपन अगर सिंपली कोई पाइप लें और उस पाइप का अगर एरिया है ए है, क्रॉस सेक्शन है पाइप का, बी अगर इसकी एवरेज मीन वेलोसिटी है, तो अपन को क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, और इसकी जो यूनिट होगी लिक्विड के लिए मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी किसी भी पाइप के अंदर एक सेकंड के अंदर कितना मीटर क्यूब लिक्विड फ्लो हो रहा है वो उसका डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्यूटर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, करने पड़ेंगे।